यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परविंदर शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। बिलासपुर में जिस प्रकार से डेंगू फैल रहा है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जानना चाहेंगे कि हालातों का जायजा आपने लिया होगा, किस प्रकार के हालात वहां पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल दीपशिखा, पिछले करीब 15-20 दिन से ये हालात बने हुए हैं। डेंगू का जो कहर है बिलासपुर जिला में जारी है जी। और खास बात यह है कि बिलासपुर शहर में जो है इसके ज्यादा मामले देखने में अभी सामने आए हैं। अस्पताल प्रशासन भले ही अभी तक 50 या 75 मामलों की बात कर रहा है, लेकिन जो ये केसेस हैं बहुत ज्यादा हैं। ऐसा हमें सूचना मिली है कि लोग जो है निजी अस्पतालों की ओर भी जा रहे हैं, वहां पे भी अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कुल मिला के करीब 150 से 200 के करीब ये मामले हैं। और अब जाके कहीं जब बहुत ज्यादा अखबारों में ये बात उछली है और लोगों को दिक्कत बढ़ी है और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी जब होनी शुरू हो गई है, तब जाके कहीं सरकार भी हरकत में आई है। और अब आज बिलासपुर में स्पेशल टीम एक शिमला से आ पहुंची है और अभी कुछ ही देर में जो है उसकी जिला प्रशासन के साथ और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जो है मीटिंग होने वाली है जी। तो उसमें जायजा लिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है या आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। दीक्षिता जी, मीटिंग्स तो चलिए मानता है कि होती ही रहेंगी, लेकिन अगर यहाँ पर तस्वीरें देखी जाए तो जल निकासी का प्रबंध भी देखने को नहीं मिलता है कि क्या प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डेंगू की एक वजह होती है। जी बिल्कुल, देखिए एक तो बरसातों का मौसम शुरू हो चुका है और जो डेंगू की जो बीमारी है ये जो मच्छर के काटने से फैलती है जी। और बिलासपुर शहर का एक 11 सेक्टर है जहाँ पे इसके सबसे ज्यादा मामले हैं और उस क्षेत्र में जो गंदगी के हालात थे उस पर फिलहाल जिला प्रशासन ने काफी जो वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो शुरू कर रखी है, तो काफी साफ सफाई की जा चुकी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है अभी जो इसका कहर है वो जारी है, इक्का दुक्का जो मामले रोजाना जो निकल के सामने आ रहे हैं, तो लोगों को परेशानी तो बनी हुई है। और अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में जो है एक प्राइमरी जो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा होती है वही दी जा रही है, लोगों को जो है अभी भी इसका जो खौफ है वो बरकरार है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डेंगू से अभी ऐसे कोई मामला दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई मौत हुई हो, लेकिन जो खतरा है बड़ा हुआ है और इतने मामले सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब जो है इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए और स्पेशल जो टीमें हैं या बाहर से इसके जो उपकरण है या और जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए जी। इतने कम समय में इतने ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है। देखिए दीक्षिता, स्वास्थ्य विभाग जो है यही कहता है कि नियंत्रण है, लेकिन मामले सामने आ रहे हैं और अभी भी सिर्फ एक खाना पूर्ति वाला जो माहौल है वो बना हुआ है। लोगों का यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और लोगों को सबसे पहले जो भी अस्पताल में अपने चेकिंग करवाने जाता है तो उसको टेस्ट लिखे जाते हैं और 600 से 800 रुपए के बीच में ये टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके ये डिक्लेरेशन होती है कि डेंगू है कुछ और है। तो हजार के लोगों से वो भी लूटे जा रहे हैं और खासकर जो प्राइवेट डिस्पेंसरीज है लोग वहां पे अपने टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे उनको लूटा जाता है। तो हजार रुपए खर्चने के बावजूद अस्पताल में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे इस बीमारी पे अभी तक इसकी रोकथाम की जा चुकी हो जी। परविंदर शर्मा जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने खाना पूर्ति की बात की है, जो वहां पर सरकारी अस्पताल हैं वो अपनी किस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं। देखिए सरकारी अस्पताल की अगर मैं बात करूं दीक्षिता, तो बिलासपुर का जो अस्पताल है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनका ये गृह जिला है और उनके गृह जिले का ये अस्पताल है। उस अस्पताल में ही ऐसी हालात बने हुए हैं कि डेंगू जैसा एक बीमारी उस पर नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश में शायद ये बिलासपुर ही जिला है जहाँ पे जो डेंगू बीमारी है, डेंगू का जो कहर है वो जारी है, और किसी जिला में अभी तक ऐसे हालात नहीं बने हैं। लेकिन कम से कम अगर इस जिला में ही ऐसे हालात हैं तो स्वास्थ्य जो सुविधाओं के हम दावे करते हैं, सरकारें जो दावे करती हैं उनकी भी पोल खोलते हुए दिखती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अब सचेत रहना चाहिए कि बरसातें शुरू हो चुके हैं, अभी तो फिलहाल डेंगू सामने आया, कल को डायरिया और या इस तरह की और जो बीमारी है वो भी सामने आ सकती है। तो हमारे पास जो पूर्ण जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो सभी उपलब्ध होनी चाहिए अस्पतालों में। आम जनता के लिए अस्पताल है तो अस्पतालों में वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं।